हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताएंगे कि बूमर सर्विसिंग कैसे करें। आज तो पूरा सर्विसिंग के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग को इंटरमीडियम पार्ट का जो लाइनर होता है, आप लाइनर को किस प्रोसेस से डालें, मैं पूरा इस वीडियो में आज बताएंगे। दोस्तों, आप लोग स्किप करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे मैंने कैसे डाला लाइनर को। ध्यान से देखिए वीडियो को। अगर आप ये वीडियो पूरा एक बार देख लिया तो आप इस वीडियो को देख के आप अपने आप लाइनर आराम से डाल सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाई देगा लाइनर को कैसे डालें। आप सील डालने के बाद हल्का हल्का ग्रीस लगा ले सील का ऊपर, क्योंकि जैसे सील ना काटे इसके लिए मैंने भी थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा दिया सील का ऊपर। आप लोग भी जब नया सील डालें, डालने का टाइम थोड़ा हल्का हल्का ग्रीस लगा दे सील का ऊपर, जैसे सील को ना काटे। और सबसे मेन चीज बात क्या है, आपको कभी भी काम करने का टाइम साफ सफाई रखना चाहिए। इस तरह लाइनर को डाल दें, फिर उसको आप देखें थोड़ा सेट हुआ कि नहीं। उसका बाद आप इसमें पुलर के जरिए हैमर से, हैमर का यूज ना करें इसमें, क्योंकि हैमर का यूज करेंगे तो आपका लाइनर में स्क्रैच आएगा, लाइनर में स्क्रैच आएगा तो हाइड्रोलिक लीकेज होगा। इसके लिए आप, अगर आप लोग हैमर का थोड़ा बहुत यूज़ करते भी हो तो प्लास्टिक हैमर का, फाइबर हैमर का यूज़ करें। और इस तरफ पुलर का यूज़ करें, पुलर यूज़ करके एक तरफ उसको टाइट करें, जो बाहर वाला सील रहेगा उसमें हल्का सा ग्रीस लगा दें, क्योंकि ग्रीस नहीं लगाएंगे तो आपको सील काटने का भी चांस रहता है। ग्रीस लगाएंगे तो आपको स्लिप करके बहुत जल्दी घुस जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए दोस्त, स्किप ना करें। अगर आप लोग वीडियो को काट काट के देखते हैं तो आप लोग को पूरा समझ में नहीं आएगा मैं किस तरह डाला है लाइनर को। सबसे बड़ी बात ये, आप हमेशा लिफ्टर का सर्विसिंग करने का टाइम हाथ को साफ सफाई रखें, गंदा बिल्कुल ना रखें। कॉटन का यूज़ करें, बिल्कुल मिट्टी नहीं जाना चाहिए, डस्ट नहीं जाना चाहिए लिफ्टर का अंदर। किसी अच्छे जगह पे इसको सर्विसिंग करें। और इस वीडियो में आपको बस इतना दिखेगा कि लाइनर कैसे डालते हैं, नहीं उसके बाद अलग अलग पार्ट का एक एक वीडियो अलग अलग बना के रखते हैं दोस्त सबके लिए। अगर आप लोग को इस वीडियो को देख के अच्छा लगता है तो हमको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और किस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए आप बताएं, तो मैं उसी टॉपिक के वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी उत्साह मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसमें एक बार अच्छा से देख ले चारों तरफ से सही से लाइनर बिल्कुल जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो थोड़ा हैमर से ठोक ठक करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ठोक ठक करके देखे, कहीं पकड़ रहा होगा तो छोड़ देगा। अगर फिर भी नहीं जा रहा है, आपका पुलर जाम लग रहा है, तो दोबारा से एक बार निकाल के देखे, जिस तरह मैंने थोड़ा सा ठोका हैमर से ठोक ठोक मारा तो अंदर चला गया। उसके बाद अब अच्छा से पुलर का टाइट कर दें। डंपिंग पिस्टन को भी ठीक उसी तरह डालिए दोस्त। डंपिंग पिस्टन डालने के लिए भी आप लोग पुलर का यूज करिए। देखिए एक तरफ से
नॉट को टाइट करते जा रहा है, ये हल्का हल्का अंदर घिस रहा है, जितना टाइट करते जाएंगे उतना अंदर जाते रहेगा। इसको कभी भी हैमर से मार के सेट ना करें, नहीं तो क्या होगा दोस्त, सबसे पहले सील काट जाएगा, आप लोग जितना काम कर रहे हो वो बेकार हो जाएगा, सील काटने के बाद फिर बेकार हो जाएगा। इसके लिए इसमें हमेशा कूलर का यूज़ करें। मैं तो इस वीडियो में और ज़्यादा नहीं बताना चाहते हैं, इसमें बस आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो का लास्ट में आप लोग को हम बताएंगे कि डंपिंग पिस्टन को कैसे डालेंगे आप लोग, और लाइनर का सील कैसे डालेंगे, डंपिंग का सील कैसे डालेंगे, डंपिंग का सील कैसे डालेंगे उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाया हूँ, वो अगर आप लोग